मॉर्निंग वॉक। यह प्रथम डेस्कटॉप प्रस्तुतीकरण प्रोग्राम है जिसके द्वारा ओवरहेड आउटपुट एंड आउट स्पीकर नोट्स और विभिन्न दिखावों का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट के द्वारा पावर पॉइंट के कार्य हैं। पावर पॉइंट के द्वारा हम प्रस्तुतीकरण का पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं। इसमें एंड आउट स्पीकर नोट्स जो आउट बैक का है समूह होता है। माया सर जी बता ना खोल रहे हैं ये पहले तो खोलिए। हाँ पर अब इसका लेट डाली नहीं। हाँ इसमें एक बार की स्लाइड सुखी है जिनमें पहला स्लाइड है टेक्स्ट स्लाइड है टॉप स्लाइड जोन अपने ये बार जो आप इस बार को बनाने दिखाएं बात होते हैं जिनकी बात और हम इसके द्वारा पेपर प्रिंट आउट स्मार्ट प्राप्त करते हैं। पावर पॉइंट को बहुत स्मार्ट पावर पॉइंट इसके चक्कर सर मतलब एमएस पावर पॉइंट के आइकन पर क्लिक करते हैं। ठीक है इसके पश्चात हम पावर पॉइंट हमें क्या बोलते हैं पावर पॉइंट की विंडो प्राप्त करते हैं। तो इसके कंटेंट को पहले हुए पावर पॉइंट के कार्य। ठीक है इसके बाद यदि आपके पास ग्रुप है तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है तो ग्रुप में सबसे पहले विंडो को जैसे ही देखा ये भी आपको दिख रही है पेज नंबर आपको पता है पेज नंबर 46 हम जो रीडिंग कर रहे हैं 47 भी कर रहे हैं तो इसमें विंडो आप देख रहे हैं। विंडो जो दी हुई है क्लिक टू ऐड टाइटल क्लिक टू ऐड सब टाइटल लिखा हुआ है और इस विंडो की राइट साइड आप देखें विंडो की राइट साइड यानी आपके लेफ्ट साइड टाइटल बार मेनू बार स्टेटस टूल बार फॉर्मेटिंग टूल बार यूज लाइट बटन ड्राइव टूल बार ये ब्लू कलर से लिखा हुआ है। ये इसके विंडो के आगे है क्या है विंडो के आगे है। पावर पॉइंट एप्लीकेशन विंडो की अप्रोच इसमें पावर पॉइंट एप्लीकेशन विंडो के कौन कौन से लिंक है बार पाए जाते हैं। बार मींस होता है पट्टी बार मींस पट्टी तो कौन कौन सी पट्टियां पाई जाती हैं जिनके अलग अलग नाम है पहला है टाइटल बार मेनू बार स्टैंडर्ड टूल बार फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार में पहले क्रम से सारी पट्टियों को देख लेते हैं उनकी कार्य स्टैंडर्ड टूल बार स्टेटस बार ग्रिड लाइट बटन न्यूज लाइट बटन लेआउट बटन इंपॉर्टेंट फीचर फर्स्ट टाइटल बार है तो इसमें जो प्रोग्राम विंडो जिस प्रोग्राम की भी होती है उस पर टाइटल उस बार पर विंडो की प्रथम बार पर टाइटल बार पर टाइटल होता है इसलिए इसे टाइटल बार कहते हैं। ठीक है मेनू बार इसमें सारी मेनू जो होती है टाइटल स्टैंडर्ड टूल बार इस पर सर्वप्रथम विंडो की कमांड आप सिस्टम में सिस्टम के फॉर्मेट टूल बार में फॉर्मेट से संबंधित सभी कमांड्स ओके के लिए जो सूचना आने के लिए वह बात होती है विच साइड बटन पे स्लाइड गत संबंधी जानकारी बात होती है विच साइड नए क्लाइंट के निर्माण संबंधी। ठीक है
तो मैनुअल स्केल के माध्यम से भी है और माउस के माध्यम से भी आप इस स्लाइड तक जा सकते हैं और शॉर्टकट की माध्यम से भी आप इस स्लाइड तक मार्केट की तरीके से हम इसे कर सकते हैं। लेवल अगर इसके द्वारा स्लाइड का प्रारूप को चेंज कर टेम्पलेट के द्वारा सारे प्रश्न करने हम इंप्रूव करके बचे हैं तो इस प्रकार से हम कार्य करते हैं। नेक्स्ट पावर पॉइंट के बाहर आने के लिए सर्वप्रथम मेनू चुनना है, फिर एग्जिट पर क्लिक करना है और इस प्रकार से हम पावर पॉइंट के बाहर आते हैं। तो बहुत सारे इसके प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल में बेस होता है जो भी पढ़ने के बाद आप उसको प्रैक्टिकल में वैसा ही करें जैसा आपने कंप्यूटर को लाया है। ठीक है, तो समझ में अभी बात आया है, अभी आपको थोड़ा समझ में आया होगा लेकिन उसे याद कर सकते हैं, लेकिन यह है तो ज्यादातर आपको इसको प्रैक्टिकल नहीं समझ में आएगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो अभी हम लेसन क्लियर कर रहे हैं, जैसे आप विद्यालय में आएंगे प्रारंभिक कार्य के लिए तो आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे और थ्योरी पुनः बताई जाएगी। तो अभी में विजार्ड और टेम्पलेट के आते हैं, इसको देखें। विजार्ड के द्वारा हम पावर पॉइंट की शीघ्रता एवं सरलता से प्रोजेक्टीकरण तैयार करते हैं, प्रेजेंटेशन को क्या करते हैं प्रोफेशनल बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, आकर्षक बनाते हैं। ठीक है, और पावर पॉइंट के विषय पर जानकारी होने पर भी हम केवल स्क्रीन पर प्रश्नों के उत्तर देकर उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये बाजार के माध्यम बाजार और कंटेंट के माध्यम से है, ये जो कार्य कर सकते हैं ऑटो कंटेंट बाजार के माध्यम से उसे लेंगे। ऑटो कंटेंट बाजार के माध्यम से हम जो है एक छोटी सी स्लाइड के द्वारा प्रारंभ करते हैं इसको, जिसके द्वारा हम उसके कंटेंट वर्ड और बात कर सकते हैं, जैसे नीड तैयार करना अथवा कोई खराब सूचना प्रस्तुत करना। प्रस्तुतिकरण का आपको उन लोगों के लिए प्रदर्शित किया जाता है जिन्हें अपने प्रस्तुतिकरण को अन्य लोगों को दिखाना होता है। हम अपने प्रेजेंटेशन को स्लाइड में बना करके चाहे वो एमएस वर्ड का मैटर हो या पावर पॉइंट पे ही आप प्रेजेंटेशन को डायरेक्ट बना रहे हो, तो इस तरह से हम किसी भी सॉफ्टवेयर से मैटर बुला करके पावर पॉइंट बुला करके उस प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन के द्वारा हम अपने नए फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। ग्राफिक प्रस्तुतिकरण होता है कि जो पहले बनाया हुआ है उसके द्वारा डाला और प्रस्तुत होता है, जिसके द्वारा हम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब करना है टाइप टू का है। यहाँ पर हम अलग अलग टूल्स की मदद से टाइप कर सकते हैं और फॉर्मेट में अलग अलग चीजें लाइन एरो मोबाइल बॉर्डर टेक्स्ट मिस्टर न्यूज पेन कलर लाइन कलर फॉर्म कलर लाइन स्टाइल डैश एरो स्टाइल, तो इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। उसकी फायदा को स्लाइड बार का पेन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं स्लाइड ब्लू को स्लाइड ब्लू की आवश्यकता के द्वारा सभी स्लाइड के ब्लू को कर सकते हैं, देख सकते हैं उनको स्लाइड शो के माध्यम से सारी स्लाइड को इतना देख सकते हैं। स्लाइड फोल्डर होगा स्लाइड फोल्डर करने पर हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो प्रस्तुत होता है और इस तरह से हम ये जैसे आपको कंप्लीट होता है टॉपिक में आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और पहला क्वेश्चन है आपका पावर पॉइंट के कार्य का। ठीक है, इसमें
सर सर हेलो सर सर अपन मगन हैड आउट कहा लिखा था समझ नहीं आया सर। स्लाइड्स के माध्यम से आगे क्या लिखा है सर? स्पीकर बोर्ड तो समझ आ गया कि पहले का लिखा बताइए ना बताइए जहाँ पर सुन तक हुआ काम सीधा काट वो बोलिए ना। हेलो सर मैं वो लिखा हूँ मगर अरे ना सुनाइए नहीं देखा बंद करके लिखा धीरे वीडियो भेजने सर। हेलो हेलो सर सर जी बोलो यहीं तो बोल सर बंद किया हूँ टिकट बंद किया हूँ लिखावट यहाँ वही ये पाड़े आगा है वहाँ है बैकल कई ऐसा
हेलो सर, सर जी सब बंद किए सर होंगे क्या? वो बंद किए हमने लाल सिग्नल, बताओ था लाल टाइम। हेलो सर, सर जी पढ़ा मगन कौन लड़का नहीं पढ़ता है इंटर के चक्कर में। राम कहा थी राम जी सर मस्त सुना करती अब बतावा करती, ये सब जितना हम बोले हैं सब हम यूट्यूब में जो वीडियो दिए थे वहाँ सुना ही सर सर गंगा में है हम एठ उत्तर बता लिखवा रहे ना प्रश्न दूसरा डबरे यहाँ से राइटी दोनों से बांधते हैं दोनों से बांधते डबरे या राइटी दोनों से बांधते लेकिन डबरे से इंग्लिश बड़ी अच्छी लिख लेती ये जो लिखे हैं एक नंबर के इंग्लिश क्या लिखा है? हाँ समझ लिया इनके ज्यादातर फोन नहीं लेता हेमंत कह दी मैं क्लास चालू हुआ रुका अच्छा छीन दुई गरी बेटा कितने माह क्या कितने माह तीन माह ना तीन तीन के क्लास है पांच दुई सात या सात के ये कब क्या कल के आए शायद इन सब बातों का थी मैडम कहाँ पढ़ा रही है कौन क्या की क्लास अच्छा छह क्या हिंदी पार्ट छह अच्छा छह एलकेजी यूकेजी राम जी सर एक नंबर पढ़ा थी आवाज आवाज सब सुना थी मैथ यह कंप्यूटर के आज की आज की कल क्या है अभ्यास अभ्यास कर रहे हैं कोई लड़का नहीं है देख लिया अगर लड़का हो तो बीच बीच में कट मैं वीडियो आओ ये देख कोनो लड़का नहीं वाली खाओ चाहिए कोनो का सुनी नहीं है जिनते कहीं है ठीक है बच्चों देख वीडियो में देखो इंडियन के साथ देखा थी यूट्यूब में आवाज से देखो आओ जा खत्म होते जाओ वो बंद कर दो बेटा हो गया बंद तब को पालन दो बंद ना कर अकेले रहा था सर जी यमा आगे मिली कर यमा सर जी वीडियो चालू कर दीजिए हेलो सर वीडियो देखने पैसे नहीं है हेलो सर लिख के भेज नहीं यार
मैं से तो चलेंगे सर जी, देखेंगे हाँ देखिए सामने तो लिखा मामले के क्या है खाते सर्दी आज के वो खुलासे नहीं आएंगे यूट्यूब में अगर टाइम नहीं है कंप्यूटर के पास नहीं है सर जी उन्होंने कहा गया को हुआ नहीं हाँ तेरा ने माइक स्पीकर सब बंद रखा था सही कौन हम यूट्यूब में डाल देती कुछ मत हेलो सर पढ़ पढ़ लिखा था यार यूट्यूब में हम आते हैं सर पढ़ाते नहीं है आप मतलब बुढ़ापे में सुनाई कम देने लगा हेलो अली हेलो सर जी हम जा रहे हैं सर जी अरे सुन तो
और
आज के लिए इतना ही।